Hello students, in this video we are going to learn about the functions of the flywheel and the difference between the flywheel and governor. So what is flywheel? Flywheel is a heavy rotating body. जैसे कि हमने last video में देखा था कि जो flywheel है वो दो type का हो सकता है, disc या rim, but दोनों ही rotating type के होंगे और energy को store करेगा. Flywheel rotate करेगा और energy को store करेगा. तो किस form में energy store होगी? Kinetic energy के form में. Next कि flywheel को use कहाँ पे करेंगे? Flywheel को हम वहाँ पे use करेंगे जहाँ पर भी speed की fluctuations हो रही है because of the cyclic variations. For example, IC engine में एक cycle में 4 stroke, 4 stroke की बात करते हैं. तो एक साइकिल के अंदर सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं. तो एक साइकिल में कांस्टेंट पावर सप्लाई नहीं है, तो साइकिल के अंदर पावर वेरिएशंस हैं, जिसके कारण कि जो जिस शाफ्ट पे वो लगा हुआ है उसकी स्पीड चेंज होगी. अब उस चेंज में जो वेरिएशंस हैं उसको कम करने के लिए हम फ्लाईव्हील लगा देंगे उस पे. दैट मींस कि जिस टाइम वो पावर प्रोड्यूस एक्स्ट्रा करेगा तो फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा एनर्जी को, जिस टाइम उसे पावर की रिक्वायरमेंट होगी फ्लाईव्हील रिलीज कर देगा. दैट मींस फ्लाईव्हील इज गोइंग टू डिक्रीज द वेरिएशंस ऑफ द स्पीड व्हिच इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द पावर ऑफ द साइकिल. साइकिल के अंदर जो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनके कारण स्पीड में वेरिएशंस आएगी, वो स्पीड की वेरिएशंस को वो कम कर देगा. सो तो फंक्शन क्या होगा इसके फ्लाईव्हील के? टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी व्हेन नीडेड ड्यूरिंग द वर्क साइकिल. एक साइकिल में जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो स्टोर कर लेगा और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो रिलीज कर देगा. नेक्स्ट, टू रिड्यूस द पावर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. अगर आप फ्लाईव्हील को नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको मैक्सिमम पावर कैपेसिटी के लगानी पड़ेगी. थर्ड, जो फ्लक्चुएशन स्पीड में होंगे अगर आप इसमें नहीं लगाओगे फ्लाईव्हील को, तो उस फ्लक्चुएशंस के अमाउंट को वो कम कर देगा. दैट मींस टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्पीड फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशंस को ख़त्म नहीं करेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू एलिमिनेट द फ्लक्चुएशंस, रिड्यूस करेगा उसे. नाउ हमारे पास दो डिवाइस होते हैं, फ्लाईव्हील और गवर्नर. दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों ही कुछ कुछ स्पीड को रिलेट कर रहे हैं, तो दोनों को किस तरीके से आपको डिस्टिंग्विश करना है. फ्लाईव्हील के और भी फंक्शंस होते हैं, बट आपको अभी आईसी इंजन के बारे में सोचना है कि गवर्नर को भी आईसी इंजन में लगाया हुआ है, फ्लाईव्हील को भी लगाया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट, जो फ्लाईव्हील है वो आपकी स्पीड की फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करेगा. और फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही हैं? क्योंकि साइकिल जो आपकी है उसमें जो पावर है वो कंटिन्यूस नहीं. जबकि गवर्नर क्या करेगा, जो मीन स्पीड है आपकी, आपके इंजन की, उसको कंट्रोल करता है. और मीन स्पीड चेंज क्यों होती है? एक्सटर्नल लोड के कारण. दैट मीन्स कोई व्हीकल आपका चल रहा है, अगर उसमें लोड में चेंजेस आ रहे हैं तो स्पीड चेंज होनी चाहिए. मान लीजिए नॉर्मल व्हीकल है आपकी, उस पर एक्स्ट्रा लोड आया तो उसकी स्पीड कम होगी, तो आप क्या करोगे? आप फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा दोगे. उसे रेगुलेट कौन करेगा फ्यूल की सप्लाई को? थ्रॉटल वाल्व. और थ्रॉटल वाल्व को रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नर. दैट मीन्स जब गवर्नर का काम है वो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रॉटल वाल्व. इसे साइकिल से कुछ लेना देना नहीं है गवर्नर को. फ्लाईव्हील को एक्सटर्नल लोड से कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस है कि फ्लाईव्हील को हम कहाँ पे नहीं लगाएंगे. ऐसी डिवाइस जिस साइकिल के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है वहाँ फ्लाईव्हील को नहीं लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी. बट आप कोई ऐसा इंजन है जहाँ पे जो साइकिल्स है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रही, नहीं हो सकता ऐसा. इट मींस फ्लाईव्हील आपका हमेशा ऑपरेशन में रहेगा, जब भी गाड़ी चलेगी फ्लाईव्हील हमेशा एक्ट करेगा.
बट व्हाट अबाउट द गवर्नर? गवर्नर तभी परफॉर्म करेगा जब लोड में वेरिएशंस होंगी. अगर लोड कांस्टेंट है व्हीकल पे तो गवर्नर का कोई फंक्शन नहीं है. दैट मीन्स द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज इंटरमीडिएट, मतलब वो आपका कभी कभी होगा. फ्लाई व्हील का आईसी इंजन में हमेशा होगा. नेक्स्ट, जो फ्लाई व्हील होती है उसमें जितनी एनर्जी वो स्टोर करेगा उतना रिलीज कर देता है. इसका मतलब कि उसमें फ्रिक्शन ऑलमोस्ट निल होता है, जबकि गवर्नर में फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं. गवर्नर में फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि फ्लाई व्हील एक डिवाइस है तो किस किस मटेरियल से इसे बनाना चाहिए. जनरली हम इसे कास्ट आयरन से बनाते हैं, बट हमेशा नहीं. आई एम सेइंग दैट जनरली वी आर यूजिंग कास्ट आयरन टू मेक द फ्लाई व्हील बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस. क्या रीजन है उसके? फर्स्ट रीजन ये है कास्ट आयरन चीप होता है. सेकेंड रीजन ये है कि कास्ट आयरन को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप में विदाउट मच मशीनिंग ऑपरेशंस कन्वर्ट कर सकते हो. थर्ड, जो कास्ट आयरन है उसमें वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है. अब देखिए, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है तो वाइब्रेट करेगा, तो उस वाइब्रेशन को आपको एब्जॉर्ब भी कराना है. एब्जॉर्प्शन के लिए ये मटेरियल अच्छा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी होती हैं. इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. ये ब्रिटल मटेरियल है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत वीक होगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है. तो इसीलिए ब्रिटल मटेरियल है तो फेल कैसे होगा? सडन होगा. इसमें लॉन्गेशन नहीं होगी, जब भी फेल होगा एट अ सडन होगा. नेक्स्ट है, कौन कौन से मटेरियल्स इसमें हम यूज करते हैं और कौन क्या क्या उसकी मास डेंसिटी है, वो इसमें दिखा रखा आपको. जनरली हम कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, बट सम अदर मटेरियल्स आर ऑल्सो देयर लाइक Fg150. उसका मास डेंसिटी इतनी होती है. ओके, लाइक दैट. नाउ द कंस्ट्रक्शन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्लाई व्हील दो टाइप के होते हैं, डिस्क और रिम. और रिम ज़्यादा यूज करते हैं हम. अब रिम के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है और रिम का ही डिज़ाइन को हमें सीखना है, किस तरीके से रिम फ्लाई व्हील को डिज़ाइन करते हैं. ओके, थैंक यू.